हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस स्ट्रीट। आज हम लोग फीडर के बारे से बात करेंगे। फीडर में सारे जो टॉपिक हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर से रिलेटेड आते हैं वो सारी चीज को हम लोग कवर करेंगे इसमें। मतलब कि एक एक पॉइंट्स जो पेपर में पूछे जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आईटीआई के जो सिलेबस के अनुसार हम लोग सारी चीज को एक एक करके कवर करते जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिएगा वीडियो। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं फिल्टर में। फिल्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होता है वो होता है माइक्रोमीटर्स। यहाँ से क्वेश्चन हर एक पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन है, उसको उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, उसके लिस्ट काउंट को कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज के बारे से हम लोग उसको एक एक करके देखेंगे। एनविल क्या होता है, उसका फेस क्या होता है, ये सारी चीज एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सारे फ्रेंड्स जो आईटीआई के लिए आईटीआई के बेस पर जो फिटर ट्रेड के अनुसार हम लोग तैयारी करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ जो डिप्लोमा वाले भी होते हैं उनके लिए भी आज का डिप्लोमा के साथ साथ आईटीआई के बेस के भी क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज को मैं कवर करते जाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बन सकता है, ज्यादा लेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिटर के प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के बारे से देखते हैं। जनरली जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, जान ही रहे हो कि फीडर ट्रेड वाले ज्यादा से ज्यादा जॉब को हम लोग किससे बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं। और हाथों से कितने परसेंट को, लगभग 75% काम को हम लोग हाथों से करते हैं और 25% काम को हम लोग मशीन्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो फिनिशिंग होती है वो थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन हम लोग उसमें प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग हाई फिनिशिंग में उसको किसी भी जॉब को हम लोग बना सकते हैं। तो हाई फिनिशिंग में या फिर हाई एक्यूरेसी के साथ में किसी भी जॉब को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं जिनमें से हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं माइक्रोमीटर के बारे से, जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माइक्रोमीटर्स। माइक्रोमीटर का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो जनरली यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के फर्स्ट है माइक्रोमीटर के बारे से हम लोग देखते हैं। माइक्रोमीटर में आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे से हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका एक डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम में आप लोग देख सकते हो इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्रेम, थिम्बल स्केल, थिम्बल, रेचेट स्टाफ, लॉक नट, स्लीव या फिर बैरल, स्पिंडल और एनविल होती है, ठीक है। तो जनरली जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी जॉब के एक्सटर्नल माप लेने के लिए, एक्सटर्नल मेजरमेंट के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। मतलब किसी भी जॉब को जब हम लोग बाहरी आवरण को उसको चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इस बाहरी भाग को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, माइक्रोमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। जनरली जो माइक्रोमीटर होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, किसी भी स्क्रू के किस पर, लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमेशा जो माइक्रोमीटर होगा वो किसमें, लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। माइक्रोमीटर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछते हैं, माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, फिर माइक्रोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है। तो माइक्रोमीटर किस पर, लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसी भी नट और बोल्ट की लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरली जो माइक्रोमीटर्स का लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट हम लोग किसको बोलेंगे, यहाँ पर लिस्ट काउंट मतलब किसी भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो न्यूनतम माप ली जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट कहा जाता है। उस डिवाइस का उसको क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है वो लगभग कितना रखा जाता है, लिस्ट काउंट इसका 0.001 इंच में
या फिर 0.01 mm में लिया जाता है, 0.001 इंच या फिर 0.01 mm रखा जाता है। मतलब इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm रखने का मेन मकसद क्या है कि वो उतनी शुद्धता तक क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकता है। इसलिए हम लोग उसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना रखा जाता है, 0.001 mm रखा जाता है। इसको अभी प्रूफ करके देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ मेन पार्ट्स के बारे से दिखाया गया है, माइक्रोमीटर के मेन पार्ट्स के बारे से जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है फ्रेम। फ्रेम को जनरली हम लोग किस लिए डिजाइन करते हैं, फ्रेम ताकि एनविल और स्पिंडल को आपस में क्या किया जा सके, कनेक्टेड हो। और यहाँ पर फ्रेम जो है जनरली हम लोग कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, कास्ट स्टील से बनाया जाता है। फ्रेम को किससे बनाया जाता है, कास्ट स्टील से बनाया जाता है। फ्रेम पर जनरली माइक्रोमीटर के साइज को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0 से 25 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, 0 mm से लेके 25 mm तक के साइज को मेजर करने के लिए हम लोग इस माइक्रोमीटर का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनरली फ्रेम हम लोग किसे बनाते हैं, कास्ट स्टील से। और फ्रेम पर हमेशा क्या रहेगा, माइक्रोमीटर के साइज को लिखा जाता है। जनरली जो माइक्रोमीटर के द्वारा हम लोग कितना चेक कर सकते हैं, 0 से लेके 150 mm तक के साइज में उपलब्ध होते हैं माइक्रोमीटर। मतलब 0 से 150 mm तक के साइज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जनरली जो माइक्रोमीटर होते हैं वो कितने सेट में आते हैं, 6 सेट में पाए जाते हैं। 6 सेट के पहले सेट में क्या रहेगा, 0 से लेके 25 mm तक को चेक करने के लिए, फिर 25 से 50 mm तक, ऐसे करके 25-25 के रेंज में क्या होता है वो बढ़ते जाता है, ठीक है। 50 से 75, 75 से 100 और 100 से 125 और 125 से 150 mm तक के साइज में ये अलग अलग 6 सेट में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे 6 सेट में, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि सेट 3 का साइज क्या होगा, सेट 3 में 50 से 75 mm का रहेगा, सेट 4 में 100 से 125 mm तक के साइज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जनरली जो माइक्रोमीटर होता है वो कितने सेट में पाए जाते हैं, 6 सेट में पाया जाता है। और प्रत्येक सेट का जो साइज होता है वो कितना रखा जाता है, 25 mm का रखा जाता है। तो यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट सेट की बात करें, फर्स्ट सेट में कितना रहेगा, 0 से 25 mm तक के साइज को चेक करने के लिए हम लोग इस माइक्रोमीटर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेम हो गया, फ्रेम के बाद में देख लेते हैं एनविल। एनविल और स्पिंडल, जनरली एनविल स्पिंडल बाकी सारे पार्ट्स जो होते हैं, एनविल हो गया, स्पिंडल हो गया, स्लीव हो गया, रचेट स्टॉक, थिम्बल हो गया, ये सारी चीज किसके बनाए जाते हैं, क्रोम स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। किससे बनाते हैं, क्रोम स्टील से बनाया जाता है। एनविल, स्पिंडल, बैरल और रचेट स्टॉक, थिम्बल, ये सारी चीज किससे बनाए जाएंगे, क्रोम स्टील से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर एनविल क्या होता है, ये फिक्स पार्ट होते हैं, मतलब कि ये मूवमेंट नहीं करता, ठीक है, फिक्स्ड पार्ट रहेगा। और जो स्पिंडल होता है, ये स्पिंडल के बारे से देख लेते हैं। जो माइक्रोमीटर का स्पिंडल होता है वो 25 mm साइज के होते हैं, 25 mm साइज के होते हैं। जनरली इसके आधे भाग में क्या रहेगा, थ्रेडेड भाग रहेगा। देखो यहां पर इसको बना देता हूं, ये जो टोटल स्पिंडल है ना, ये क्या रहेगा, आधे भाग में इसके थ्रेड बने रहेंगे और आधे भाग क्या रहता है, प्लेन बना रहता है। ये हो गया प्लेन साइड और ये हो गया थ्रेड साइड, ठीक है। इसके आधे भाग क्या रहेंगे, प्लेन साइड रहेंगे और आधे भाग क्या रहेंगे, थ्रेडेड बने रहेंगे। और इसके थ्रेड में जो लीड होगा या पीच होगा, इसका पीच कितना रहता है, लगभग 1 mm के बराबर रखा जाता है। प्रत्येक इसका जो पिच रहेगा वो कितना रहेगा, 1 mm रखा जाता है। स्पिंडल जनरली कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, क्रोम स्टील से बनाया जाता है। स्पिंडल जनरली क्रोम स्टील से बनाए जाते हैं, तथा इसके एक भाग क्या रहेगा, प्लेन रहेगा और दूसरे साइड क्या रहेगा, उसमें थ्रेडेड भाग बने रहते हैं।
तो इसकी जो प्लेन साइड रहेगा वो किसके साथ अटैच होगा, किसी भी जॉब के साथ में या फिर एनविल के फेस के साथ में अटैच होगा, और बाकी जो थ्रेडेड भाग है वो किस में रहेगा, स्लीव या फिर बैरल में फिक्स रहेंगे। जो थिम्बल, थिम्बल को जब रोटेट करेंगे तो क्या करेगा, वो स्पिंडल को आगे पीछे मूव करने का काम करता है। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पिंडल पर जो थ्रेड बने होते हैं उसकी पिच की पिच क्या होती है, तो पिच उसका कितना रखा जाता है, 0.1 mm रखा जाता है। सर थोड़ा सा यहां पर करेक्शन करना है, इसका जो पिच रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 1 mm रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉक नट। लॉक नट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, माइक्रोमीटर पर किसी भी जॉब को रीडिंग लेने के बाद उसके रीडिंग को लॉक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, लॉक नट का उपयोग किया जाता है। यदि हम लोग उसको लॉक नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आगे पीछे कुछ डिफेक्ट हो सकता है, डिफेक्ट हो गया, डिफेक्ट होने से उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसके वजह से उसको क्या किया जाता है, उसको रीडिंग लेने के बाद उसको लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लॉक नट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्लीव या फिर बैरल। स्लीव या फिर बैरल का उपयोग स्लीव या फिर बैरल पर, बैरल पर मेन स्केल बना होता है, ठीक है। स्लीव या फिर बैरल पर माइक्रोमीटर की मेन स्केल बना होता है। मेन स्केल मतलब जहां से हम लोग उसको रीडिंग को लेंगे, ठीक है। मेन स्केल कहां पर बना होता है, स्लीव या फिर बैरल पर मेन स्केल को बनाया जाता है। नेक्स्ट उसके आगे देख लेते हैं थिम्बल। थिम्बल का काम होता है रीडिंग के लिए उसको क्या करना, सेट करने का काम करता है, ठीक है। किसी भी जॉब को यदि आपको रीडिंग करना है तो उसके स्पिंडल को आगे या पीछे मूव कराने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, थिम्बल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर थिम्बल में एक प्लेन भाग होगा और दूसरा इसका बेवल भाग होगा। इसके बेवल भाग पे हमेशा क्या बने रहते हैं, थिम्बल स्केल बने होते हैं, और थिम्बल स्केल का मान अभी यहाँ पर बताऊंगा कितना होता है। और दूसरा चीज यहाँ पर बना होता है लर्निंग, ये क्या कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। थिम्बल पर लर्निंग बनाने का मेन मकसद क्या होता है, ताकि अगर वो प्लेन में क्या हो जाएगा, स्लिप हो सकता है, तो स्लिप होने से बचने के लिए थिम्बल पर क्या बनाया जाता है, जनरली उसको लर्निंग कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो लर्निंग किया जाता है वो रहता है डायमंड लर्निंग, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, लर्निंग कहलाएगा, और ये कौन सा है, डायमंड, डायमंड लर्निंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रैचेट स्टाफ। रैचेट स्टाफ का यूज हम लोग क्यों करते हैं, किसी भी माइक्रोमीटर्स में रैचेट स्टाफ का जो यूज होता है वो क्या करेगा, एक निश्चित प्रेशर देने के लिए। मतलब जब आप किसी जॉब का रीडिंग ले रहे हो तो रीडिंग लेते समय क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग थिम्बल के द्वारा उसको आगे लेके आएंगे स्पिंडल को, और जैसे ही जॉब पर टच होने वाला रहेगा उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रैचेट स्टाफ से उसको टाइट करते हैं, ठीक है। ताकि अब देखो क्या होगा, इसमें कई लोग का प्रेशर ज्यादा रहेगा, हाथ का प्रेशर, तो ज्यादा दबा देंगे तो उसका रीडिंग क्या हो जाएगा, गलत दिखाएगा। तो इस कंडीशन में उसको क्या किया जाता है, रैचेट स्टाफ के द्वारा हम लोग उसको टाइट करते हैं। मतलब रैचेट स्टाफ का उपयोग क्या करते हैं, किसी भी जॉब का रीडिंग लेते समय निश्चित दबाव देने के लिए, निश्चित प्रेशर देने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, रैचेट स्टाफ का यूज किया जाता है। यहाँ पर रैचेट स्टाफ पर पूछा जाता है क्वेश्चंस में, रैचेट स्टाफ पर जो थ्रेड बनी होती है वो कौन सी थ्रेड होती है, तो यहाँ पर जो रैचेट स्टाफ पर थ्रेड बनी होती है वो कौन सी थ्रेड होती है, बट्रेस थ्रेड, ठीक है। कौन से थ्रेड का उपयोग किया जाता है, बट्रेस थ्रेड का उपयोग किया जाता है। जो बट्रेस थ्रेड होता है उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, जनरली बट्रेस थ्रेड का मान होता है 45 डिग्री, और उसको 7 डिग्री में क्या किया जाता है, टेपर बनाया जाता है। तो जब बट्रेस थ्रेड होगा तो ये क्या करेगा, बट्रेस थ्रेड एक ही साइड में प्रेशर देने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, बट्रेस थ्रेड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक ही साइड में जहां पर हम लोग को प्रेशर, अब यहां पर क्या कर रहे हैं, रैचेट स्टाफ में एक ही साइड पर प्रेशर दे रहे हैं और दूसरे साइड को रिलीज करने के लिए होता है,
तो बटरेस थ्रेड का काम ही होता है कि एक साइड पर प्रेशर प्रोवाइड करना और दूसरे साइड को स्मूथली उसको वहां से रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लिस्ट काउंट के बारे से, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कैसे निकाला जाता है? माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए मेन स्केल डिवीजन का मान और सब स्केल डिवीजन का मान या फिर सब डिवीजन, और एक होता है थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है। तो यहाँ पर जनरली हम लोग जो स्पिंडल पर यूज कर रहे हैं वो स्पिंडल कितने एमएम का है? 25 एमएम का है। तो स्पिंडल पर जो स्लीव के अंदर जो मेन स्केल होगा उसको हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 25 भाग में, मतलब कि मेन स्केल डिवीजन के एक भाग का मान, मेन स्केल डिवीजन के एक भाग का मान कितना होगा? यदि ये एक दो तीन चार, ये पांच हो जाएंगे, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 15 mm तक। तो प्रत्येक भाग का मान कितना होता है? 1 mm रखा जाता है। मेन स्केल डिवीजन के एक भाग का मान कितना रहेगा? 1 mm। और साथ ही साथ इसको क्या करते हैं, मेन स्केल डिवीजन को और ज्यादा अच्छे से मतलब कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन के बीच में एक सब डिवीजन बनाया जाता है। तो नीचे की ओर जितना भी रहेगा वो क्या कहलाएंगे? सब डिवीजन कहलाएगा। और प्रत्येक मेन स्केल डिवीजन को कर रहे मतलब कि यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सब डिवीजन का मान 0.5 या फिर 1/2 रखा जाता है, या फिर क्या रखेंगे, 0.5 mm के बराबर इसको रखा जाता है। चूंकि स्पिंडल को कितने भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, 25 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो प्रत्येक भाग का मान कितना आ गया, 1 mm। और प्रत्येक भाग को मेन स्केल के प्रत्येक भाग को आधे भाग में और डिवाइड कर दिया गया, तो आप आधे भाग में जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उसको बोला जाता है सब डिवीजन, और प्रत्येक सब डिवीजन का मान 1/2 mm के बराबर होता है। तो यहां पर जो थ्रेड बने होते हैं वो क्या रहेगा, 0.5 mm के थ्रेड में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब कि अब क्या होगा, जब भी माइक्रोमीटर चलेगा तो कितना कवर करेगा, 0.5 mm। नेक्स्ट है थिम्बल स्केल, प्रत्येक थिम्बल स्केल, थिम्बल डिवीजन बोला जाता है इसको, ठीक है, प्रत्येक थिम्बल डिवीजन का मान कितना रखा जाता है, क्योंकि इसके एक सब डिवीजन को यहां पर कितने भागों में कन्वर्ट किया जाता है, उसको थिम्बल डिवीजन के 50 बराबर भागों में उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, सब डिवीजन के एक सब डिवीजन को थिम्बल डिवीजन पर 50 भागों में क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि थिम्बल डिवीजन में एक थिम्बल एक सब डिवीजन का मान इसको हम लोग कितने भागों में कन्वर्ट करते हैं, 50 भागों में। मतलब कि इसका जो आएगा वो कितना रहेगा, प्रत्येक भाग का मान 0.1 mm रखा जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिस्ट काउंट को काउंट कर लेते हैं। लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो जब एक सब डिवीजन चलना होगा तो थिम्बल को हम लोग कितने राउंड, एक राउंड जब घुमाएंगे, जब भी हम लोग थिम्बल को पूरे एक राउंड घुमाएंगे तो वो कितना कवर होगा, 0.5 mm कवर होगा, ठीक है। तो थिम्बल डिवीजन कितने भाग चले, 50 भाग चले, और लेकिन स्पिंडल उस 50 भाग चलने से स्पिंडल कितना आगे बढ़ेगा, 0.5 mm आगे बढ़ेगा। तो यहीं से ही इसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है, एक थिम्बल एक सब डिवीजन बराबर कितना होता है, 1/2 mm इनटू एक सब डिवीजन को कितने भागों में बांटा गया है, यहां पर 50 भागों में, तो 1/50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों को जब हल करेंगे तो 1/100 बराबर 0.01 mm के बराबर होता है। इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.01 mm के बराबर इसका लिस्ट काउंट होता है।
तो जनरली जो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होगा वो कितना रहेगा 0.01 mm में। अगर इंच में पूछा जाता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर में तो उसका क्या होता है 0.001 इंच के बराबर उसको रखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रोमीटर में रीडिंग लेने पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसके बारे से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, IOCL देख लो, गेल, भेल, हर एक जगह जहां भी आप पेपर दोगे वहां पर पूछा जाता है कि पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर और जीरो एरर के बारे से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो माइक्रोमीटर पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है और पेपर में उसको पूछे जाते हैं उसके बारे से एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। तो जनरली जो माइक्रोमीटर होता है उस पर एरर कितने टाइप्स के आते हैं, तो माइक्रोमीटर पर जो एरर आते हैं वो जनरली तीन प्रकार से एरर होते हैं। इसका फर्स्ट है, अगर एरर की बात की जाए तो कितने टाइप्स के रहेंगे, तीन टाइप्स। फर्स्ट सबसे पहले है जीरो एरर, और दूसरा होता है पॉजिटिव एरर, और तीसरा होता है नेगेटिव। ये तीन टाइप से एरर होते हैं किसी भी माइक्रोमीटर में। एक होगा जीरो एरर, दूसरा पॉजिटिव एरर, तीसरा नेगेटिव एरर। तो यहां पर ध्यान दीजिए जो स्लीव या फिर बैरल पर ये कहलाता है मेन स्केल का डेटम लाइन, ठीक है, ये कह रहा है कि डेटम लाइन जो कि जीरो के साथ, जब भी मेन स्केल का डेटम लाइन क्या हो, जीरो पर हो और ये इसका फेस आपस में क्या हो जाए, दोनों मिल जाए, तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है, जीरो एरर कहलाता है। मतलब जब हम लोग थिम्बल को पूरा टाइट कर दें और आपस में क्या हो जाए, दोनों एनविल और स्पिंडल का फेस आपस में जुड़ जाए, उस कंडीशन में यदि इसका जो डेटम लाइन है मेन स्केल का डेटम लाइन और थिम्बल का डेटम लाइन यहां पर बीच में यदि जीरो आ जाए, जीरो के साथ में अगर बराबर फिट हो जाए तो वहां पर एरर क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कि वहां पर कोई भी त्रुटि नहीं होती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एरर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर किसको बोलेंगे, जब हम लोग किसी माइक्रोमीटर को फुल टाइट कर दें, फुल टाइट करने के बाद भी यदि एनविल और स्पिंडल के बीच में जो क्लियरेंस आ जाता है और जब भी क्या होगा, जीरो लाइन मेन स्केल की डेटम लाइन से हमेशा क्या हो जाए, वो नीचे रह जाए, ठीक है, हमेशा क्या हो, मेन डिवीजन डेटम लाइन से हमेशा क्या हो, थिम्बल स्केल का जो जीरो है वो क्या हो जाए, नीचे रह जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एरर कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एरर क्या होगा, जब भी मेन स्केल के डेटम लाइन से थिम्बल स्केल का जीरो क्या हो, नीचे रह जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है पॉजिटिव एरर। और इसको रीडिंग लेने के बाद जितना पॉजिटिव रहेगा उतना को उसमें क्या कर दिया जाता है, उस पर माइनस कर दिया जाता है। तो पॉजिटिव एरर को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो उसका सही रीडिंग प्राप्त हो जाता है, ठीक है। यहां से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जब भी डेटम लाइन से जीरो नीचे की ओर होगी तो क्या कहलाएगी, पॉजिटिव एरर, और पॉजिटिव एरर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, माइनस करके उसकी सही रीडिंग को लिखा जाता है। और जब भी इस डेटम लाइन से जीरो ऊपर की ओर चली जाए, मतलब जीरो जीरो लाइन क्या हो, थिम्बल का जीरो ऊपर चला जाए, इस डेटम लाइन से ऊपर चला जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर बोला जाता है। मतलब यहां से चला गया जीरो, यहां पर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव एरर कहलाएगा। जब भी डेटम लाइन से ऊपर की ओर जाएगा तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव एरर कहलाएगा। और नेगेटिव एरर को हमेशा किसको, रीडिंग के साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है। जब भी नेगेटिव एरर आएगा तो उसको क्या करेंगे, रीडिंग के साथ में जोड़ देंगे, और पॉजिटिव एरर आएगा तो उसको रीडिंग के साथ में माइनस कर देते हैं, जस्ट अपोजिट, तो उसका सही रीडिंग सामने आ जाता है। यहां पर और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एनविल और स्पिंडल के फेस पर, ठीक है, एनविल और स्पिंडल के फेस पर सामने की ओर
दो अलग अलग मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है, मतलब एक हो गया है स्पिंडल किसका बनाया जाता है क्रोम स्टील का, और इसकी जो टिप वाला पॉइंट है उसको किसी अलग मटेरियल के बनाया जाता है। तो पूछा जाता है पेपर में कि एनविल के फेस को कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, तो जनरली जो पूरा एनविल होता है वो किससे बनाते हैं, क्रोम स्टील से, बट इसके फेस को हम लोग दूसरे मटेरियल से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कोई जॉब है अगर उसको हम लोग बार बार चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हैवी मेटल्स है या फिर और सॉफ्ट मेटल्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फेस जब बार बार उसे टकराएगा तो घिस जाएगा, घिसने की वजह से क्या हो जाता है, माइक्रोमीटर खराब होने का चांस होता है, उसका रीडिंग क्या हो जाएगा, गलत दिखाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसका फेस उससे ना घिसे करके हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से मटेरियल का उपयोग करते हैं। वो जनरली स्पिंडल की फेस या फिर एनविल का फेस, एनविल और स्पिंडल का फेस कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, सीमेंटेड कार्बाइड का बनाया जाता है, सीमेंटेड कार्बाइड या फिर किससे बनाते हैं, टंगस्टन कार्बाइड का, बनाया जाता है। ठीक है, सीमेंटेड कार्बाइड या फिर टंगस्टन कार्बाइड की धातु से उसको बनाई जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स लोग के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड फ्रेंड्स लोग को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आप लोग को और कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ स्पेशल टॉपिक जो समझ में नहीं आता है उसको आप कमेंट्स कीजिए, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। बस आप बताइए कि कौन से हम लोग को टॉपिक पे बेस पे बनाना है जो आप लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।